दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल प्री बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर है जिसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम है द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है और जैसे ऑर्डर आप चेंज कर देते हो यूनिट बदल जाती है इसलिए सही ऑप्शन होगा टेम्परेचर भी सही नहीं है नेक्स्ट द फॉर्मुला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्राइटो ओ को थर्ड इज ट्राई अमाइन मतलब अमोनिया होगा तीन बार नाइट्राइटो ओ का मतलब होता है ओ एन ओ और ट्राई है तो ये भी तीन बार होगा कोबाल्ट मेन सेंट्रल मेटल सीओ और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो इसकी वजह से प्लस थ्री स्टेट आ जाएगा मतलब फॉर्मुला ये होना चाहिए तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इसलिए फर्स्ट हो जाएगा इसमें किसी भी आप लिगियन को आगे पीछे लिख सकते हैं आपकी मर्जी है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई सेक्राइड जिसमें मोनोमर यूनिट दो प्रेजेंट होंगे ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है अकेला मोनोमर यूनिट है ये स्टार्च ये पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है सेलुलोज ये भी पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है यहां पे डायसेक्राइड डेक्टोज होगा जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है इसलिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा डाइसेक्राइड का नेक्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एक्स चेंज इन टू वाई इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल वेन द कंसेंट्रेशन एक्स इज इंक्रीज बाई फोर टाइम्स जब किसी के कंसेंट्रेशन को हम फोर टाइम्स इंक्रीज करते हैं और रेट हो जाता है डबल इसका मतलब इसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है वो स्क्वायर रूट है मीन्स हाफ इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हाफ हो जाएगा क्योंकि रेट कांस्टेंट में कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगाते हैं उसी को ऑर्डर बोलते हैं दिस वन इज द हाफ ऑर्डर रिएक्शन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट अपॉन रिएक्टिंग विद एजी एनओ थ्री एजी एनओ थ्री के साथ जब रिएक्शन क्लोराइड आयन करता है तो ये एजीसीएल बनाता है जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है मीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट द आयनाइजेबल क्लोरीन मस्ट बी प्रेजेंट इन टू द कॉम्प्लेक्स एंड आउट ऑफ दिस फोर

and urea can never be dissociated that's why it is present as a single molecule that's why the order of the vanta factor is 2 3 and 1 2 3 1 option c next which of the following alkyl halide will undergo sn1 reaction most readily जब किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर आपको चेक करना होता है तो आप दो चीज चेक करते हो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर थ्री टू वन होता है जो कि एस एन वन फॉलो करता है यहां पे आपको ये चेक करना होगा एंड सेकेंड वन इज द साइज ऑफ द हेलाइट जो कि आई का सबसे ज्यादा होगा देन ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन तो सबसे आसानी से आई यहां से डिसोसिएट होके रिप्लेस हो जाएगा इसलिए आपको देख लेना है कौन सा थ्री डिग्री या टू डिग्री होगा विद आई तो यहाँ पे थ्री डिग्री और आई के साथ ये सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम साइज लेथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन की वजह से 4d और 5d के मेंबर्स का जो एटॉमिक साइज होता है वो एक जैसा हो जाता है तो 4d और 5d के मेंबर में जर्कोनियम और हैफनियम आता है आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है कि जर्कोनियम और हैफनियम की साइज एक जैसी क्यों होती है देन यू राइट दैट ड्यू टू लेनाइट कॉन्ट्रेक्शन द साइज ऑफ जर्कोनियम एंडियम इज सेम यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर आल दो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है लोअरिंग ऑफ वेप्रेशर ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि जो डिपेंड करता है वो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेप्रेशर तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग प्वाइंट भी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग प्वाइंट भी है बस लोअरिंग ऑफ वेप्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी आउट ऑफ द फॉलोइंग द द्रॉगेस्ट बेस इन इनव सोल्यूशन इज जब भी एक्व सोल्यूशन की बात होगी और इस अमाइन के साथ आपका ग्रुप लगा रहेगा सी एस थ्री तो हमेशा ये ऑर्डर फॉलो करता है टू डिग्री वन डिग्री एंड थ्री डिग्री इसलिए टू डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा तो टू डिग्री वाला आप देख लीजिए ये ऑप्शन बी आपको दिख रहा है इसलिए आपको ये लिख देना है अगर यहाँ पे इसके साथ एलकाइल ग्रुप में सी टू एच फाइव होता तो उसके लिए ऑर्डर टू डिग्री थ्री डिग्री और वन डिग्री होता है इसलिए फिर आपको टू डिग्री के साथ सेकेंड नंबर पे थ्री डिग्री लिखना होता है तो अभी ऑप्शन इसका बी रहेगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट इज नॉट गिवेन बाई आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा देन टर्मिनल पे उसके ये ग्रुप आपको देखना जरूरी है और अगर वो एल्कोहल होगा तो टर्मिनल पे सी एस थ्री सी एच ओ एच ये ग्रुप देखना जरूरी है तो जिस भी कंपाउंड के अंदर टर्मिनल पे ये ग्रुप दिखेंगे वो कंपाउंड हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है ये भी एडोफॉर्म टेस्ट देगा ये यह एल्कोहल ये भी दे देगा ये भी टर्मिनल ग्रुप दिख रहा है ये भी देगा यहाँ पे टर्मिनल पे आपको ये ग्रुप नहीं दिख रहा है इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा नेक्स्ट एमांग द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसन एच सी एल एंड एनहाइड्रेस जेटेंसियल टू इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट एंड द टेस्ट इज ल्यूकास टेस्ट जो कि एल्कोहल शो करते हैं और इसका ऑर्डर होता है थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री मीन्स थ्री डिग्री कौन होगा ब्यूटेल लिखोगे तो ये टू डिग्री आएगा क्योंकि चेन दूसरे पे ओ OH, एच दूसरे पे सी एस थ्री आपको थ्री डिग्री दिख रहा है टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल प्रोपेन वन ऑल ये आपका प्राइमरी दिख रहा होगा ये ब्रांच में दूसरे पे मिथाइल ग्रुप वन ब्यूटेनॉल ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसमें टर्मिनल पे ओ OH होगा तो टर्सियरी आपको बी ऑप्शन दिख रहा है इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन ये शो करेगा नेक्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट इज हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सियरी अमाइंस टर्सियरी अमाइंस नॉट रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट एंड प्राइमरी रिएक्ट वेरी फास्ट तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है बेंजिन सल्फोन क्लोराइड है तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नेक्स्ट प्रॉब्लम है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यहाँ पे एक एल्कीन दिया गया है उसका रिएक्शन वाटर के साथ कराना है एस्टिक मीडियम में मीन्स हाइड्रेशन और जब हाइड्रेशन किसी एल्किन का कराते हैं तो वो मार्गोनिका रूल को फॉलो करेगा मीन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ द एल्कोहल मूव टू दो कार्बन विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसलिए यहाँ पे आपको ओ लगाना होगा इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तो ऑप्शन बी इसका सही है नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम यहाँ पे सर्सन रीजन से है जिसमें प्रॉब्लम नंबर फिफ्टीन है सरसन द सी ओ सी बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली मोर देन टेट्राहेड्रल एंगल तो सी ओ सी में जो मिथाइल ग्रुप होता है वो बल्कियर ग्रुप होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करेगा इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है लगभग वन के आसपास ये वन के आसपास होता है तो इस सही है ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू एलकाइल ग्रुप इन ईथर ये इसका रीजन है इसलिए दोनों करेक्ट होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है नेक्स्ट में सर्सन है मॉलिकुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज टू इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एच टू रिएट कम्ली विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमिन टू गिव टू मॉलिक्यूल ऑफ एच बी आर तो यहां पे इन दोनों के एक एक मोल यूज हो रहे हैं इसलिए मोलिकुलरिटी टू होगी इसलिए सर्शन सही है द दर्डर ऑफ रिएक्शन इज थ्री बाय टू ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्री बाय टू होता है ये भी सही है लेकिन ऑर्डर और मालिकुलेटी का एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के हिसाब से होता नहीं है इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो बोथ आर करेक्ट करेक्ट बट नॉट नॉट द एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट एनिलीन डज क्राफ्ट रिएक्शन ये सही है और एनिलीन फीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो क्यों नहीं करता बिकॉज द एन एस टू ग्रुप इज बेसिक ग्रुप एंड इट रिएक्ट विथ एएल सी एल थ्री विच इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन फिडल क्राफ्ट रिएक्शन और दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं सॉल्ट और इस सॉल्ट का फॉर्मेशन इस ग्रुप को डीएक्टिवेट कर रहा है जिसकी वजह से फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता एनलिन रियक्ट विद ए एल सी एल थ्री टू गिव एसिड बेस रिएक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन होगा और सॉल्ट बनेगा इसलिए दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी मीन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं

नेक्स्ट अब फर्स्ट ऑर्डर डी कम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स फोर्टी मिनट फॉर थर्टी परसेंट डी कम्पोजिशन कैलकुलेट टी हाफ यहाँ पे कुछ लॉक की वैल्यूज दी गई हैं तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यूज करके दोनों कंडीशन में हम के निकालेंगे और उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे ये सॉल्व हो जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहली कंडीशन में हमने के लिखा हुआ है और दूसरी कंडीशन में के की वैल्यू चेंज नहीं होती इसलिए दोनों को हमने इक्वेट कर दिया अब टू कैंसिल कर दिया वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे फोर्टी मिनट तो वन बाई फोर्टी इक्वल टू हम इसके जीरो कैंसिल कर सकते हैं लेकिन लॉग सेवेंटी की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है इस हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे और लॉग डिवीजन में होता है तो इसको लॉग हंड्रेड माइनस लॉग सेवेंटी हम लिखेंगे तो लॉग हंड्रेड log सेवेंटी की वैल्यू दिया हुआ है ये हो जाएगा टू माइनस वन पॉइंट एट फोर फाइव वन ये मल्टीप्लाई यहाँ पे इक्वल टू वन बाई टी हाफ हमको निकालना है लॉग हंड्रेड माइनस लॉग फिफ्टी करेंगे यहाँ पे लॉग थर्टी की वैल्यू दिया है इसको फिफ्टी देना था इसको हम लोग लिख देंगे लॉग हंड्रेड मीन टू माइनस लॉग फिफ्टी इसकी वैल्यू सिक्स नाइन नाइन जीरो होता है अब यहाँ पे ये यह सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट वन फाइव फोर नाइन बाई फोर्टी यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो टी हाफ यहाँ सोल्व करने पे टी हाफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी सेवेंटी सेवन पॉइंट सेवन मिनट तो इसका आंसर हो नेक्स्ट गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग एस्टेल डिहाइड एंडलब एंड बेंजीन के ऊपर पे टर्मिनल पे सी एस थ्री सीओ ग्रुप दिख रहा है इसलिए आइडो फॉर्म टेस्ट दे देगा आइडो टेस्ट में होता क्या है हम इसका रिएक्शन करा देते हैं आई टू एन एच के साथ तो जो टर्मिनल वाला सी एस थ्री है ये आइडो में कन्वर्ट हो जाएगा मीन्स सी एच आई थ्री एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इन टू द सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड तो एक कार्बन रिमेनिंग बच रहा है इसलिए एक कार्बन का एसिड का सोडियम साल्ट बना देना है सेकेंड पार्ट है प्रोपेनोन प्रोपेनोन मीन्स सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री एंड प्रोपेनोल मीन्स सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच यहां पर भी टर्मिनल पे सी एस थ्री सीओ ग्रुप दिख रहा है ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ये नहीं देगा तो इन दोनों को हम आइड्रोफॉर्म टेस्ट से आइडेंटिफाई कर पाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है इनके दोनों के पहला द टू स्टैंड ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कम्प्लीमेंट्री जब किसी एक डी एन ए स्टैंड को दूसरे स्टैंड के साथ हम अटैच करते हैं तो दोनों स्टेबलाइज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस तो नाइट्रोजनस बेस में एक का जी दूसरे के सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू और एक का ए दूसरे के टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड रहेगा तो हमेशा ए के साथ टी जी के साथ सी दूसरे स्टैंड में दिखेंगे जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं तो स्टैंड कम्प्लीमेंट्री होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा क्योंकि जी के साथ हमेशा सी आएगा जी के साथ जी नहीं आएगा इसलिए इसको बोलते हैं कि ये कंप्लीमेंट्री होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते ग्लूकोज डज नॉट गिव टू फोर डीएनपी टेस्ट ग्लूकोज आपको पता है कि स्ट्रेट चेन के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी शो करता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर नेचर में लगभग 99% होता है केवल 1% परसेंट स्ट्रक्चर ग्लूकोज का स्टेट चेन के फॉर्म में होता है एंड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर सी एच ओ ग्रुप इज नॉट फ्री इट इज इन्वॉल्व इन टू द बॉन्डिंग और सी एच ओ ग्रुप जब फ्री नहीं रहेगा तो कभी भी टू फोर डी एन पी टेस्ट ये नहीं देगा इसलिए ग्लूकोज टू फोर डीएनपी टेस्ट नहीं देता नेक्स्ट राइट डाउन द आईओपी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स में ये अमाइन है ये क्लोराइड अमाइन का नाम पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग चलते हैं ये पांच बार है इसलिए इसको लिखेंगे पेंटा अमाइन उसके बाद एक क्लोरीन है इसको क्लोराइडो बोला जाता है क्लोराइडो उसके बाद नाम आएगा कोबाल्ट उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दो यहाँ पे क्लोरीन एक यहाँ तीन क्लोरीन मतलब थ्री नेगेटिव इक्वल के इस तरफ आएगा तो थ्री पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए थर्ड लास्ट क्लोरीन आपको लिखना पड़ेगा जिसको हम क्लोराइड लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड बाहर वाले का नंबर नहीं लिखा जाता इसलिए ये नाम रहेगा सेकेंड थ्री टाइम्स यहाँ पे के दिख रहे हैं एफी सी एन सिक्स साइनो नाम पहले लिखेंगे छह बार है तो हेक्सा साइनो अब यहाँ पे मेटल के साथ कैटाइन लगा हुआ है इसलिए मेटल का नाम चेंज हो जाएगा ये आयरन होता है अभी इसकी वजह से इसको फेरेट लिखा जाता है तो फेरेट उसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री प्लस सिक्स माइनस यूज करेंगे तो थर्ड आएगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कोई कैटाइन रहेगा तो कैटाइन का नाम पहले लिखा जाता है इसलिए पोटेशियम से शुरू करना है तो इसका नाम ये हो जाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इन दोनों का ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है ऑप्टिकल आइसोमर मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसका मिरर इमेज फॉर्म हो जाएगा और इनका जो जिमेट्रिकल आइसोमर होगा सिस ट्रांस उसमें से केवल सिस मिरर इमेज फॉर्म करता है क्योंकि ट्रांस का मिरर इमेज सेम उसी के जैसा होगा इसलिए इन दोनों का सिस स्ट्रक्चर बनाना है और उसका मिरर इमेज बना देना है तो प्लेटिनम दो क्लोराइड और दो इन है ये बाइडेंटेट है इसलिए कुछ छह लिगेंड हो जाएंगे तो इसका हम इस तरीके से एक स्क्वायर बना देंगे प्लेटिनम छह पोजीशन हो गए इसके ये इसका अपोजिट पोजिशन है यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं आना चाहिए ये इसका अपोजिट है यहाँ पे भी सेम ग्रुप नहीं आना चाहिए ये इसका अपोजिट है यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं आना चाहिए बाकी कहीं पे कुछ भी लगा दो तो हम यहाँ पे एक सी लगा देते हैं और एक सी एल यहाँ अब सेम ग्रुप कभी नहीं आएगा एक इन यहाँ लगा देते हैं एक इन यहाँ लगा देंगे इसी का मिरर इमेज बना दोगे ये पहला हो जाएगा दूसरे वाले में एनएस आपको यूज करना है दो बार दो क्लोरिन और एक इन इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बस अपोजिट पोजिशन आपको सेम ग्रुप नहीं रखना है सेम ग्रुप रखेंगे तो ट्रांस हो जाएगा तो यहाँ पे क्रोमियम एक एन एस थ्री यहाँ लगा देते हैं एक एन स्त्री यहाँ इसका काम हो गया एक सी एल यहाँ लगा देते हैं एक सी एल यहाँ अपोजिट ए कभी नहीं आएगा एक इन यहाँ लगा दो और इसी का बना देना मिरर इमेज ये भी हो जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज दिख रहा है तो यहाँ पे एक लाइन खींच के यहाँ पे प्लस वन लिख देना यहाँ पे टू प्लस दिख रहा है तो एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे प्लस टू लिख देना ये हो जाएगा ट्वेंटी थर्ड प्रॉब्लम है फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी चेंज इन टू प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवेन एज रेट इक्वल टू ए टू दी पावर वन एंड बी टू दावर टू वट इज दर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएशन इनके पावर का सम होता है तो वन प्लस टू कर देंगे तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जब हम रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट लिखते हैं तो लिखा जाता है मोल पर लीटर वन माइनस एन इन टू सेकेंड इन वर्स पे एन ऑर्डर है तो अगर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए टू हम लिखेंगे तो ये वन माइनस टू करने पे माइनस वन आएगा तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखनी पड़ेगी मोल माइनस वन लीटर माइनस वन पहले से था माइनस वन फिर लगाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा इसलिए लीटर और सेकेंड इनवर्स नेक्स्ट इस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस ए एल टू ओ थ्री एट फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस द गि एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ दिस इज दिस रिएक्शन यहां पे दिया हुआ है तो यहां पे जो मोस दिया हुआ है इसी मोज के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है इसलिए इसी के हिसाब से आपको यूज करना है अगर हम Al2O3 का नॉर्मल रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे जनरली क्या है एलमोनियम प्लस थ्री स्टेट में है और यहां से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं और टू एलमोनियम को यूज करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज आएगा, वो छे का आएगा। टू ए एल थ्री प्लस सिक्स प्लस इलेक्ट्रॉन यूज करके ये टू ए एल में कन्वर्ट होगा लेकिन इस रिएक्शन में टू बाई थ्री यूज हो रहा है तो अगर इसका हम टू बाई थ्री कर दें तो सिक्स इलेक्ट्रॉन जो यूज हुए थे इसका टू बाई थ्री करने पे आपको इलेक्ट्रॉन टोटल यूज होते हुए दिखेंगे चार तो डेल्टा जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस एन एफ ई नॉट से लिखते हैं तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है ये आपको चार यूज करनी पड़ेगी ये आपका सॉल्व हो जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस नाइन सिक्स जीरो किलो जूल में है इसलिए तीन जीरो हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं माइनस एन की वैल्यू फोर एफ की वैल्यू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो ई नॉट सेल आपको बताना है नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ई नॉट सेल की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2.487 पॉइंट बोल्ट और आप याद रखना जब भी हम यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल की ये रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए अगर नेगेटिव आएगा तो वो सेल काम नहीं करेगा नेक्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ प्रॉब्लम विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड अंडर गो एस एन टू रिएक्शन फास्टर एंड वाई एस एन टू के लिए ऑर्डर वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री होता है आपको चेक कर लेना है दिस वन इज वन डिग्री दिस वन इज टू डिग्री और हेलोजन के बेस पे अगर आप चेक करोगे तो वहां पे हेलोजन बड़ी साइज का होना चाहिए ये बड़ी साइज का हेलोजन इसलिए फास्ट एस एन टू देगा एस एन वन एस एन टू दोनों के लिए हेलोजन के बेस पे जो आर्डर है वो सेम रहता है और कार्बोखाइट्राइन के स्टेबिलिटी के बेस पे रिवर्स रहेगा एस एन टू के लिए वन टू थ्री डिग्री ऑर्डर और एस एन वन के लिए थ्री टू वन होता है नेक्स्ट ये आर वाला प्रॉब्लम है जिसमें दो रिएक्शन इनको पूरा करना है तो जब हम किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन एसओ सी एल टू से कराते हैं तो ये ओ एच को सीएल से रिप्लेस कर देगा इसलिए यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा सीएल और जब एच सीएल का रिएक्शन किसी एल्कोहल से कराते हैं तो ये जनरली जेड एन सीएल टू के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा ल्यूकास टेस्ट है ये जहां पे एच सी एल ओएच को रिप्लेस कर देता है और वहां पे अटैच कराता है क्लोरीन लेकिन ल्यूकास टेस्ट के लिए जो आर्डर होता है वो थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री होता है इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन थ्री डिग्री टू डिग्री देंगे वन के रिस्पेक्ट में दिस एल्कोहल इज प्राइमरी एल्कोहल दिस एल्कोहल इज सेकेंडरी इसलिए सीएल इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा सीएल तो ये प्राइमरी हम ऐसे ही छोड़ देंगे ओ OH, एच और यहाँ पे सीएल अटैच करा देंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में तीन नेम रिएक्शन है जिनको कम्प्लीट करना है जिसमें सबसे पहला है गैब्रिल थे गैब्रिल थैली माइट सिंथिस में हम लोग थैली से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं तो दिस वन इज द थैलीमाइट जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन पे बेंजीन के इस तरीके से एन एच लगा रहता है थैलीमाइट इसका रिएक्शन सबसे पहले के ओ एच के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट में थैलीमाइट का बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट एन के फिर इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं आर एक्स के साथ तो के रिप्लेस हो जाता है आर के थ्रू तो यहाँ पे आपको थैलीमाइट का एल्काइल प्रोडक्ट मिल जाएगा एन आर अब इसी के बाद इसका हाइड्रोलिस हम लोग कर देंगे एसिडिक मीडियम में तो जैसे आप हाइड्रोलिस करोगे थैलिक एसिड अलग हो जाएगा और आपको एन एच मिल जाएगा आर के साथ इस रिएक्शन को यूज करके केवल हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं सेकेंडरी टर्सरी नहीं बनेगा और एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बनेगा दूसरा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये केवल प्राइमरी अमाइन रिएक्शन शो करता है और कहीं पे भी कोई प्राइमरी अमाइन होगा जब इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ के ओ एच ये प्राइमरी अमाइन को चेंज कर देता है RNC में मिंस में आइसोसाइनाइड जिसकी एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है इसलिए हम आसानी से प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन ब्रोमामाइड रिएक्शन एनी अमाइड ग्रुप वेन ट्रीटेड विद बी आर टू एलॉन्ग विद के ओ एच दे ग्रुप इज रिप्लेस्ड एंड इट इज कन्वर्टेड इन टू अमाइन तो अमाइट को अमाइन में कन्वर्ट करने का एक तरीका है जिसमें हम बीआरटू एन एच के साथ इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं बिकॉज द कार्बन नंबर इन द चेन इज रिड्यूसिस ए कार्बन यहाँ पे हमेशा कम हो जाता है इस रिएक्शन के थ्रू इसलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पिछले वाले का आर पार्ट है तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पे इसका रिएक्शन के सी एन के साथ करके ए बना तो सीएल को रिप्लेस करके यहाँ पे सी एन लगाना है तो सी एस थ्री सी एस टू सी एन हो जाएगा इसके प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करते हैं और सीएन को जब रिड्यूस करोगे सी एस टू एन एच टू में कन्वर्ट होगा इसलिए बी हो जाएगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू एंड एन एच टू ये होनो है मीन्स एच ओ ओ जिसमें डायजोनियम सॉल्ट बनता है अगर ये एलिफैटिक होगा तो डायजोनियम सॉल्ट डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए इसका हम एल्कोहल बनाएंगे तीन कार्बन का एल्कोहल सी होगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू एंड ओ एच जब हम किसी भी एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो ये अमाइड में कन्वर्ट होगा इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ एन एच टू जब लिथियम के साथ इसको रिड्यूस करते हैं तो ये CO को सी एस टू में कन्वर्ट कर देगा इसलिए यहाँ पे बन जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन मीन सी एस थ्री सी एस टू एन एच टू और इसका जब हम रिएक्शन कर देंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है बेंजिन इसके साथ एसओ टू और इी एस के थ्रू अटैच होगा यहाँ पे एन एन के साथ एच एक सी एल के साथ बाहर जा चुका है एंड सी टू एच फाइव

और क्लोराइड के कंडक्टिविटी को ऐड करना है क्लोराइड इसमें दो बार है इसलिए इसके एनिक कंडक्टिविटी को टू टाइम्स आपको यूज करना पड़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा वन जीरो सिक्स प्लस सेवनटी सिक्स पॉइंट थ्री इन टू और इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा वन जीरो सिक्स प्लस वन फिफ्टी टू पॉइंट सिक्स सोल्व करने पर आ जाएगा टू फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये आपको यूनिट याद रखनी है ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफीनाइट डायलोशन की यूनिट है अगर ये केवल कंडक्टिविटी होगा तो ये सेंटीमीटर इनवर्स लिखा रहेगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पलेक्स एनआईसीएल फोर टू माइनस निकल ट्वेंटी एट कन्फेशन करेंगे तो हो जाएगा थ्री डी एट एंड फोर एस टू ये निकल यहाँ पे प्लस टू स्टेट में है इसलिए दो इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जाएगा

अगर ये प्लस टू स्टेट में होता तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आपको पेयरिंग करानी है तो कोबाल्ट ट्वेंटी सेवन कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो थ्री डी सेवन और फोर एस टू आएगा ये प्लस थ्री स्टेट में है इसलिए ये थ्री डी सिक्स हो जाएगा अब इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम चेक कर लें तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ पे इसकी पेयरिंग हो जाएगी इसकी भी पेयरिंग हो जाएगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा और यहाँ पे हाइब्रिडेशन इसका यहाँ से शुरू होगा इसलिए आ जाएगा डी टू एस पी थ्री थर्ड वाले में आयरन है आयरन ट्वेंटी स्टेट में होगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा थ्री डी फाइव इट कंटेन फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई द इट इज पैरा मैग्नेटिक और ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा इसलिए बाहर का ये डी वाला यूज होगा इसलिए इसका भी हैबडेशन

मतलब एसाइल ग्रुप इसके साथ अटैच करा देना है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ओ सी ओ सी एस थ्री बन जाएगा ये ऐसे ही रहेगा और बाय प्रोडक्ट में एस्टिक एसिड आ जाता है फिनाल इज विद जब सोडियम डाइक्रोमेट के साथ हम फिनाल को यूज करते हैं तो ये बेंजोकिन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फिनाल को भी ऑक्सीडाइज करेगा और इसके पैरा पोजिशन पे भी कीटोनिक ग्रुप बना देता है इसलिए बेनजो क्यूनोन बनेगा एनीसॉल इज ट्रीटेड विद सी एल एनड्रीएल थ्री मतलब यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना है एनीसॉल का एनीसॉल मीन बेंजीन के ऊपर ग्रुप अब ये ओ लोन पेयर कंटेनिंग है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो आर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे अटैच करने वाला सीएस थ्री पॉजिटिव ग्रुप होता है जो कि इन्हीं पोजीशन पे जाएगा जिसमें पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है इसलिए पैरा पे आपको सी एस थ्री लगा देना है क्स्ट ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ पे कंपाउंड दिया है, है। हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ रिएक्शन करता है और जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे वो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें सेकेंडरी और टर्सियरी जो प्रोडक्ट होंगे ज्यादा स्टेबल होंगे तो आप सीएल यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए स्टेबल प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो उस कंडीशन में सी एच के साथ सी एल लगाएंगे सी एस थ्री और ये एनओ टू ऐसे ही रहेगा सीएस थ्री थ्राई सी बी आर के ओ एच एल्कोहलिक जब भी एल्कोहलिक के ओ एच के साथ हम ट्रीट करते हैं किसी भी एलकाइल हेलाइट को तो हमेशा यहाँ पे एल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा यानी एक कार्बन से बी आर इसके साथ वाले एल्फा कार्बन से एक एच बाहर होगा और एल्किन बनेगा तो वहां पर यहाँ पे एल्किन बनाएंगे सी के साथ दो सी एस थ्री सेम रखते हैं एक सी एस थ्री का एच हटा देंगे तो ये बन जाएगा सी एच टू जब किसी भी एल्किन का रिएक्शन हम बीआर के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये एडिशन रिएक्शन शो करता है मींस जो डबली बॉन्डेड कार्बन होंगे उसी पे आपको बी लगा देना है इसलिए ये प्रोडक्ट होगा चलिए नेक्स्ट अब एक केस स्टडी है सीधे चलते हैं प्रॉब्लम पे इसके पहला है विच इलेक्ट्रोड गोइंग टू तो एक्ट एज एनोड एंड एन कैथोड इन गिवेन एब रिएक्शन यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है आपको एनोड कैथोड बताने के लिए बस ये वैल्यू चेक करनी होती है और कुछ करना नहीं है जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वो बिहेव करता है एज अ एनोड एनोड तो यहाँ पे जिंक होगा और ये कैथोड होगा अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे तो छोटी वैल्यू वाला हमेशा एनोड होता है वाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव जब यहां से सॉल्ट ब्रिज को हम रिमूव कर देंगे तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा इसलिए जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा होगा वो रुक जाएगा मतलब सेल काम नहीं करेगा वेन डज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यहाँ पे जो भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है अगर उससे एक्स्ट्रा मीन्स ज्यादा पोटेंशियल हम यहाँ पे एक्सटर्नल अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगता है तो यहां से अगर हम ई सेल कैल्कुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट एट जीरो प्लस पॉइंट सेवन सिक्स क्योंकि ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है तो इसको यूज करने पे आ जाएगा सिक्स वन पॉइंट फाइव सिक्स वैल्यू आपको इतनी मिली हुई है तो अगर इससे ज्यादा पोटेंशियल एक्सटर्नल लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कितना बिहेव करेगा वट विल है कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू प्लस एन ए जी प्लस वेन ई सेल इज जीरो जब ई सेल जीरो हो जाता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है मीन यहाँ पे दोनों में कंसेंट्रेशन इसका सेम हो जाएगा डस कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेस यहाँ पे तीन अलग अलग कंडक्टिविटी होती है जिसमें से केवल एक कंडक्टिविटी डायलूशन के साथ डिक्रीज होती है और वो कंडक्टिविटी आपकी है स्पेसिफिक और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ डिक्रीजेस ऑन डायलूशन नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर केस बेस प्रॉब्लम है गिव टू डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबलर प्रोटीन ग्लोबलर प्रोटीन में टर्सियरी स्ट्रक्चर होता है इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा पहला डिफरेंस ये वाटर सोलबल होता है ये वाटर सोलबल नहीं होता ये ज्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर और पीएच के ये सेंसिटिव नहीं होता ये कम स्टेबल होता है और ये हाई स्टेबल होता है द मेल्टिंग पॉइंट एंड सोलबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग हेलो एसिड अमीनो एसिड को जब हम एक सोलूशन में डालते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ज्विटर आयन में और ज्विटर आयन इंटरेक्ट करेंगे थ्रू द आयनिक इंटरेक्शन एंड आयनिक इंटरेक्शन इज स्ट्रांग होगा सॉल्वेंट के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन शो करने की वजह से सॉल्वेबल ज्यादा हो नहीं होते हैं एग जब हम एग को बॉयल करते हैं तो इसका टर्सियरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं मीन्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन टू दी स्ट्रक्चर इज एब्सॉर्ब इट इज कन्वर्टेड इन टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइन पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज में क्या होगा एक अमीनो एसिड का सीओओ एच ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के एन एच टू ग्रुप के साथ बाइंड होगा तो यहां से ओ OH एच और यहाँ से एच वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाते हैं एंड बोथ द अमीनो एसिड आर बाइंड टूगेदर थ्रू अमाइड बॉन्ड और इसी अमाइड बॉन्ड को हम लोग प्रोटीन के केस में पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं इसी डी वाले का आर पार्ट है ड्र ज्विटर आयन ऑफ अमीनो एसिड ग्लाइसिन ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जिसमें कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं एक एनएच टू ग्रुप और एक सीओओ एच ग्रुप ज्विटर आयन जब बनाएंगे एक को सोल्यूशन में तो इसके प्रोटान को ट्रांसफर कर देना है एनएच टू ग्रुप पे ये कन्वर्ट हो जाएगा एच सी एच उंड शो कैटलिटिक एक्टिविटी कैटेलिटिक एक्टिविटी शो करने के पीछे दो रीजन है पहला तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिसकी वजह से यह बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट रिएक्टेंट के साथ बाइंड होकर बना सकता है दूसरा स्मॉल साइज होने की वजह से इसका सरफ़ेस एरिया हाई होता है और हाई सरफ़ेस एरिया होने की वजह से यह ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने सरफ़ेस के ऊपर बाइंड करा लेता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट इज डिफिकल्ट लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जितने भी लेंथेनाइट के एलिमेंट होते हैं उनकी साइज लगभग सिमिलर होती है और साइज एक जैसी होने की वजह से इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है दैट्स दे कैन नेवर बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मिक्सचर जिंक कैडमियम और मरकरी आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग प्वाइंट ट्रांजिशन एलिमेंट के हार्ड होने के पीछे रीजन होता है मेटेलिक बॉन्डिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से तो इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है इसलिए कभी भी ये मेटेलिक बॉन्डिंग शो नहीं करते और मेटेलिक बॉन्डिंग शो ना करने की वजह से ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए मरकरी आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में दिखता है ये दोनों तो सॉफ्ट होते हैं सेकेंड पार्ट में इनको कन्वर्ट करना है एन ए टू सी आर टू ओ सेवन फ्रॉम दिस इससे एन ए टू सी आर टू ओ सेवन बनाने के लिए इस सोडियम क्रोमेट को हम लोग यूज करते हैं और ये करा देते हैं एस टू एस फोर के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम डाई क्रोमेट में एलॉन्ग विद सोडियम सल्फेट एंड वाटर तो आपको इसका एसिडिफिकेशन करना होगा सेकेंड है एम एन ओ टू फ्रॉम के टू एम एन ओ फोर के टू एम एन ओ फोर से एम एन ओ टू नहीं बनता एम एन ओ टू से के टू एम एन ओ फोर बनता है इसलिए ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे एम एन ओ टू का हम लोग यूज करेंगे एलॉन्ग विद फोर के ओ एच एंड ओ टू ये कन्वर्ट हो जाता है टू के टू एम एन ओ फोर प्लस टू एच टू ओ में मीन्स पोटेशियम मैग्नेट में इसी पोटेशियम मैग्नेट को फिर हम यूज करेंगे एसडिफिकेशन कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ये पोटेशियम पर मैगनेट में विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रीफर्ड फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बायोपॉलीमर जैसे प्रोटीन और इस्टा सिल्लोज ये सब होंगे तो इसके लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करते हैं क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट कर लेंगे टेम्परेचर चेंज नहीं करना होता तो उसके ब्रेक होने के या एसोसिएट होने के चांस नहीं बनते और दूसरा प्रेशर का जो यहां पे वेरिएशन आता है वो बहुत लार्ज वेरिएशन आता है जिसको आसानी से हम कैलकुलेट कर पाते हैं बाकी एलिवेशन और डिप्रेशन बहुत छोटी वैल्यू आती है जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दूसरा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये तो वेपर प्रेशर आप प्योर लिक्विड ए एंड बी दिया गया है टोटल प्रेशर दिया गया है और आपको कंपोजिशन बताना है लिक्विड मिक्सचर के अंदर मतलब यहाँ पे आपको एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू बतानी है तो इसमें पी नॉट ए की वैल्यू है फोर फिफ्टी पी नॉट बी की वैल्यू है सेवन हंड्रेड पी टी जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी एक्स ए को वन माइनस एक्स बी हम लोग लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अब यहाँ टोटल सिक्स हंड्रेड वैल्यू है 450 फिफ्टी माइनस एक्स बी फोर माइनस सेवन इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस टू ये माइनस साथ प्लस हो जाएगा तो 450 फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी एक्स बी यहाँ से एक्स बी को हम लोग सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 150 फिफ्टी बाई टू फिफ्टी सोल्व करने पाएगा 0.6 तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगा 0.4 तो ये इनकी वैल्यू हो जाएगी जब किसी भी दो सलूसन को या फिर एक सलूसन और एक प्योर सॉल्वेंट को हम सेपरेट कर देते हैं सेमी प्रीमियर मेम्रेन से तो हमेशा वाटर अपने ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ मूव करता है इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आसमोसिस और जिस तरफ वाटर मूव कर रहा है उधर अगर हम एक प्रेशर अप्लाई कर दें जिससे कि इस प्रोसेस को हम रोक सकें तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड आसमोटिक प्रेशर तो अगर आस्मोटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी प्रेशर आप बढ़ा देते हो तो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है

तो एल्फा बताने के लिए हम लोगों को आई निकालना पड़ेगा सबसे पहले चलो इसका आई सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई होगा पॉइंट जीरो सिक्स एट इक्वल टू वन पॉइंट एट सिक्स इंटू पॉइंट जीरो वन इंटू आई आई को यहां से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा सिक्स एटी बाई वन एटी सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स फाइव अब आपको पता है कि जो एल्फा होता है वो होता है आई माइनस वन बाई एन माइनस वन आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 3.65 तो हो जाएगा 2.65 पॉइंट सिक्स फाइव ये ए एल सी एल थ्री डिसोसिएट होगा तो कुल आयन चार जनरेट करेगा इसलिए n की वैल्यू फोर यूज करनी है तो ये वैल्यू आ जाएगी थ्री सॉल्व करने पाएगा पॉइंट एट एट फाइव थ्री इसका परसेंटेज लिखेंगे तो एटी एट पॉइंट फाइव थ्री ये एल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्रॉब्लम नंबर थर्टी फाइव है उसका ए पार्ट है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म वेन बेंजियल डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग सबका रिएक्शन बेंजियल डिहाइड से कराना है मतलब के ऊपर सी एच ओ इसका रिएक्शन जब हम इसके साथ कराएंगे सी एस थ्री सी एच ओ एलॉन्ग विन एच तो डायलूट एनओ एच के साथ शो करेगा इसके एल्फा हाइड्रोजन को यहां पे ट्रांसफर करना है तो ये बनेगा बेंजीन सी एच ये ओ OH एच हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ वाला फिर सी टू सी एच ओ जब इसका रिएक्शन हम करेंगे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो इसका H2 इसके O के साथ बाहर हो जाएगा ये C इस N के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड होगा तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच और यहाँ पे पिंचिन ड्रिंक कंसनट्रेट एनओ एच के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका जारो रिएक्शन शो करेगा इसके दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे जिसमें से एक मॉलिक्यूल एल्कोहल बना लेता है सी टू ओ एच और एक एसिड का सोडियम सॉल्ट इसलिए बन जाएगा सी ओ ओ एन ए इन दोनों को डिस्टिंग करना है तो यहाँ पे टर्मिनल पे आपको सीएस थ्री सीओ ग्रुप दिख रहा है ये टेस्ट देगा ये टेस्ट नहीं देगा ये आइडेंटिफाई हो जाएगा जब हम यहाँ पे एक एलडीहाइड और एक एसिड को यूज करते हैं तो जब एसिड का रिएक्शन आप करा दोगे सोडियम बाई के साथ तो सीओ टू जनरेट करता है जिसकी वजह से ब्रिस्क इफरवसेंस क्रिएट होगा तो ये ब्रिस्क इफरवसेंस क्रिएट करता है और ये नहीं करता इसी का और वाला पार्ट है इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है जब आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ कराते हो तो इसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा सी एस थ्री सी एस टू सी एच थ्री इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे एन एस सी ए के साथ तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम तो सोडा लाइम के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो ये एनए टू सीओ थ्री के फॉर्म में बाहर हो जाएगा इसका एच इसके साथ यूज हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इन टू देंजीन जब आप डीबल एच के साथ किसी भी नाइट्राइल कंपाउंड को यूज करोगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा तो ये डबल बॉन्ड को कभी भी रिड्यूस नहीं करता बस सी को ये कन्वर्ट कर देगा सी एच ओ में इसलिए जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच ओ इसका बी वाला पार्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके डबल बॉन्ड ओ पे आके एक पार्ट अटैच होगा और उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो यहाँ पे अटैच होता है तो इसके अटैचमेंट के लिए यहां पे जो ग्रुप होंगे प्रेजेंट वो बल्कियर नहीं होने चाहिए क्योंकि बल्कियर ग्रुप रिएक्शन के रेट को कम करते हैं तो सबसे कम बल्कियर ग्रुप आपको यहां दिख रहा है सबसे फास्ट ये रिएक्शन शो करेगा देन सेकेंड वन इज दिस यहाँ पे एक तरफ बेन्जिन सीएस थ्री यहाँ पे दोनों तरफ सी एस थ्री सी एस थ्री तो थर्ड नंबर इसका आएगा और फोर्थ नंबर इसका आ जाएगा रिएक्टिविटी में ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ टू फोर डी एन पी डेरिटिव ऑफ दिस जब किसी भी कार्बन के कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं हाइड्रोजीन के साथ या फिर फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ तो डबल बाउंड ओ उस एन एच टू के एच टू के साथ वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा ये एन उस एन के साथ डबल बाउंड के साथ बाइंड होता है तो यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव बनाना है हम लोगों को जिसमें बेंजिन के ऊपर दूसरे और चौथे कार्बन पे एनओ टू ग्रुप प्रेजेंट रहेगा दिस वन इज द टू फोर एन पी अब इसका एच टू और इसका ओ बाहर कर देना है वाटर के फॉर्म में और ये एन इस सी के साथ बाइंड हो जाएगा थ्रू डबल बॉन्ड तो सी एस थ्री दो ऐसे रहेंगे सी के साथ डबल बॉन्ड एन फिर यहाँ पे एन एच एन एच के साथ फिर बेंजीन रिंग लगा देना है एन नो टू एन नो टू इसका टू फोर डी एन पी डेरिवेटिव हो गया तो ये कंप्लीट इनका पेपर है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे थैंक यू आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए पढ़ते रहिए